वही है पूना से ये आलंदी के, पहचान है वही आलंदी के अंदर का। पूना हाँ शिरूर तत्व की राधिका भेंट चालक। होए जी। चाय हाँ बन रही है, ब्रह्मांड बन गया, उसको पॉज कर दीजिए उसके प्लीज, पाछे मेरे लिए। पिंड बनाई। बताइए हम ले ले रहे हैं आपकी, रास्ते का भी कर दे रहे हैं मेंशन। आस्ते 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 ना तो सांस फूले और ना आप थकावट आए, और बैठने से क्या होता अंठान चढ़ती है, ज्यादा बैठने ये खून ठंडा पड़ जाए। हाँ हाँ गर्म खून हो जाता है। हाँ ये गर्म खून हो जाता नहीं, ये चले जाता है, बैठने से खून ठंडा पड़ जाता है तो फिर वो अंठान चढ़ जाती है। बस के त्रास होता ना, कहाँ में जोर चली है कि जैसे इंजन तब जाए तो कैसा जोर में चलता है। अरे तो वो सब इसी से तो बनाई सब संसार, ब्रह्मांड बन गया, पॉज कर दीजिए, उसके पाछे पिंड बनाई। माता जी पानी जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, पानी है और ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, पिंड ब्रह्मांड से न्यारी वस्तु कोई नहीं। जाओ तो पृथ्वी पर घूमी लो, छावनी पिंड में घूमी, दो ही बराबर। दक्षिण नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, शूलपाणी की खाड़ी, यहाँ पर आदिवासी हैं, परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। ये झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ चाय बन रही है परिक्रमावासियों के लिए। ये उद्धव जी हैं द्वार आकाश का, नासिक से। ये नासिक से आप भी, दादाजी भी नासिक से हैं। मैं पूना से आलंदी के, आलंदी के। अंदर के। आप पुणे से हैं, आप पूना शिरूर राधिका चालक। आप सभी पैदल परिक्रमा में हैं। हाँ जी, इसमें लिखी है सब बातें जी, जो ब्रह्मांड में है ना। हाँ 102 साल के कृष्णदास जी भी ब्रह्मांड में, पिंड अभी हमारे साथ में। वस्तु कोई नहीं, शूल पानी की खाड़ी, आकाश का सिर, वायु का नाभि, दक्षिण नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, जल का ललोटा, पृथ्वी का कलेजा। अम्मा जी आप यहीं पर रहती हैं, आपका नाम क्या है? ये आदिवासी ऐसे सेवा करते हैं परिक्रमावासियों की, इनका ये निवास है। अम्मा जी चाय बना कर ले आई हैं हम लोगों के लिए। अति दुर्गम रास्ता है ये, शूल पानी की खाड़ी। दक्षिण नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग, जिला बड़वानी, अल्फा एस्ट्रो चैनल, नर्मदा परिक्रमा सीरीज, नर्मदे हर। यहाँ पर ये ऐसे एरो बने रहते हैं जो कि हमें रास्ता बताते हैं, ये जगह जगह एरो बने हुए हैं।
वैसे तो आदमी लोग भी मिल जाते हैं रास्ता बताने के लिए, लेकिन इन एरो से चलें तो ज़्यादा ठीक है। कभी कभी लोग गलत रास्ता भी बता देते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर, ये एरो लगे हुए हैं। पूरी झाड़ी में ऐसे ही एरो हैं जिनको देखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। हर जगह ऐसे एरो लगे हुए हैं। कुछ परिक्रमावासी और अभी हमारे साथ में हो गए हैं। वकील साहब हैं। नर्मदे हर वकील साहब कृष्णदास जी महाराज। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये झाड़ी करीबन 130 किलोमीटर लंबी है। झाड़ी के बाद खप्पर माल एक जगह है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। काफ़ी सारे पहाड़ों के ऊपर से चढ़ना पड़ता है यहाँ। ये अति दुर्गम रास्ता है। अधिकतर जो भी लोग झाड़ी से जाते हैं वो यही कहते हैं कि यहाँ से ना ही जाएं तो बेहतर है। यहाँ काफ़ी सकरे रास्ते हैं पहाड़ों के बीच में से। बहुत सावधानी से यहाँ चलना पड़ता है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। पूरी झाड़ी में एरो लगे हुए हैं रास्ता बताने के लिए। चारों ओर घना जंगल है। अभी लगभग हम लोगों ने आधी दूरी तय की ही। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।
बर्तन